जैमर लगा दिए। एक हॉस्टल में 13 जैमर, पर हमारा गनपन जैमर की वायर्स काट के आए। एक दिन सरप्राइज चेक हुए, हम लोगों ने अपने मोबाइल्स छुपाए, तो बेस्ट पार्ट था वहाँ का। एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे माइक लगा हुआ था, जब भी खाने का अनाउंसमेंट होता है हम लोगों का फोन आता, तो वो भैया लोग काम कर रहे हैं ना वार्डन के साथ, बाबा जी, भैया जी, हम तो भैया जी, वो खाना वाना बनाते हैं ना, हम लोगों के टाइम में भैया जी हो गए थे। तो भैया जी बोलते सभी मैंने खाना खा ले, सभी मैंने खाना खा ले। और उसके बाद अगर आपका फोन आया है रूम नंबर 63 की सेठी आपका टक बोल है, बेस्ट पार्ट भी आप बोलेंगे तो मिस्टर पार्ट होते रूम नंबर 63 जगत जगत आपका टक बोल है, जो सोया होता था वो भी कुछ कुछ मांगता था कि फोन आया हमारा घर से। That was all memories, very nice. मैं वनस्थित बैठी का लड़का हूँ और 2005 में रिटायर होने के बाद हम लोग जयपुर आए हैं। प्रोफेशनली मैं वकील हूँ, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और वनस्थली के अपने अनुभव आप लोगों ने बांटे, लेकिन बहुत से अनुभव हमारे अंदर से देखा जाए तो बड़े अलग थे कि 4 साल 5 साल की बच्ची रोती भी बस में बैठी, मतलब अपनी सहेली के साथ अपनी मदर को देख रही है, मदर बस में से जाते हुए रोती भी बस बेटी को बाय बाय कर रही है। वो फीलिंग शायद वनस्थली के उन फ्रेंड्स और सर्किल में ही हम लोगों ने महसूस किया। और आज इस माहौल में मेरी बेटी 5 साल की है, मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो भी सोचता हूँ कि वापस लिया मुझे रो रही है, उन पेरेंट्स ने कैसे आप लोगों को छोड़ा हुआ, आप उस माहौल में कैसे रहे होंगे, अब मुझे महसूस होता है। उस टाइम तो लगता था कि तुम्हें माँ बाप कैसे छोड़ के जा रहे हैं, क्यों रो रही है बच्ची। तो पिता बनने के बाद आज मुझे लगता है कि बहुत खुश है और मैं मनस्थली में पढ़ते हुए सोचता था, आप अदरवाइज मत लेना, कि मेरी वाइफ मनस्थली पढ़ी हुई होनी चाहिए। फॉर्चुनेट मेरी वाइफ मनस्थली से पीएचडी किया है, इसने पांडे सर जो संस्कृत से थे उनका ग्रहण पीएचडी किया और तब शादी से पहले हमने देखा नहीं था। मैं मीनाक्षी पारिक, जैसा मेरे हस्बैंड ने बताया 2006 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई थी वनस्थली से, और वहाँ पे जब मैं थी तब तक मैं अक्सर हॉस्पिटल में जाया करती थी चूर्ण खाने के लिए, और चूर्ण मुझे बहुत टेस्टी लगता था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था ये चूर्ण देने वाले बच्ची मेरे भाभी ससुर जी हैं। मेरा नाम अंगूर बताते हैं, 3 साल से रुमाल में इंट्रोडक्शन देते देते एक ऐसी बात करते करते मुझे लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए, और इस बार हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं कि काफ़ी सीखे दीदी भी आई हैं यहाँ पे। मेरे फादर मदर मिस्टर अरविंद कुमार दुबे एंड मिसेज हिला दुबे, वो दोनों काफ़ी समय तक उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ का पार्ट है। मेरी दादी के टाइम से एक्चुअली हम लोग वनस्थली विद्यापीठ से सबसे जुड़े हुए, मेरी बुआ ने भी हिंदी पढ़ाया, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, कई बातें मुझे बताई जाती हैं, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा मुझे शाम को तो जाते थे और स्कूल जाता हुआ उसको भी खिड़की में बैठा रहता था, इसको प्यार रखे जब मैं आगे निकलती थी। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है आज तक लड़कियों से डरता है। बचपन में मैं डरने लग गया था सीरियसली, मेरी मौसियाँ बहुत इंदौर में बहुत सारी मौसियाँ थी मेरी, तो मैं बड़ा डरा करता था। मैं पापा बताते थे कि जब पापा थे हमारे तो वो कहते थे कि ये जब पहली बार इंदौर गया तो वहाँ मेरी मौसियाँ दिखी बहुत सारी, तो वो देख के भागा के अरे यहाँ भी लड़कियाँ ये आप लोगों ने किया। मेरे को कुटीर हॉस्टल में ले जाते थे और मुझे अभी भी याद है मुझे बड़ा डरावना हॉस्टल लगता था।
बड़ा एक्चुअली आप लोग समझ सकते हो मेरा जो अटैचमेंट है वनस्थली फैमिली के साथ में। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आज शायद पहली बार शेयर करूंगा, मैंने मेरी वाइफ के भी साथ भी शायद ये बात शेयर नहीं करी कभी कि मैं धमाल के साथ में और इस सारे इवेंट के साथ में बहुत ज़्यादा रिलीजियसली जुड़ा हुआ हूँ पिछले 3 साल से। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं और मुझसे कोई बात नहीं करता उनके बारे में अदरवाइज। तो दैट इज़ व्हाई आई एम वेरी मच इमोशनली अटैच्ड टू दिस फैमिली एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ। बहुत ज्यादा अच्छा, मदर को मैंने नहीं देख पाया है, एक पापा को। तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट सो सक्सेसफुल। आप लोग आए, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से एक इतना अच्छा माहौल हम लोग को मिला। और प्लीज आते रहिए, आप रेगुलरली आते रहिए, हर बार आइए। ये बड़ा मेरे ऊपर एक पर्सनल आपका एक एहसान होगा यदि आप रेगुलरली आएंगे तो। दिस इज वेरी पर्सनल थिंग, थैंक यू सो मच। और मेरी जब शादी की इंगेजमेंट पे और भाभी जी ने मिलकर जो है कार्यशील महिला आवास में स्पेशल महिला संगीत का आयोजन करवाया था और बहुत ही उन्होंने जो है मन लगा के और इतना बढ़िया मुझे अपनापन लगा कि जैसे मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरा तो संगीत हो गया। तो इतना मतलब जो है इन्वॉल्व होकर उन्होंने सरप्राइज तरीके से जो है अरेंज करवाया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंदा जी के साथ में। और ये जो बच्चे बैठे हैं इन बच्चियों को उन्होंने पढ़ाया हुआ है। गर्म पानी पी लो यानी कि चाय ले लो। बोला आपको उन्होंने लेकिन सैंडिंग में हो गया। मेरा नाम दीपक, मेरा नाम दीपक गौड़ है। मेरे फादर श्री हरगोविंद गौड़ सेंट्रल लाइब्रेरी में जॉब करते थे, 2 साल पहले वो रिटायर हुए और अभी जयपुर में सेटल हैं और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। थैंक यू। सभी को नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और पिछले 3 साल से मैं मतलब 2 साल से तो रेगुलरली पूरी तरह से धमाल का पार्ट रहा हूँ। और जो फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था तब पार्शली इसका पार्ट था। और मेरे ग्रैंडफादर एक्चुअली वनस्थली विद्यापीठ में थे। जो भी पुराने लोग हैं काफ़ी लोग उनको शायद जानते हों जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थे डॉक्टर राजपाल सिंह जी। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट 68 से 91 तक वनस्थली में रहे और मैं 76 से 91 तक वनस्थली में रहा। मैं सबसे पहले तो सभी को बधाई देना चाहूँगा कि ये इस बार धमाल 3 और ये अपनी हैट्रिक है जिसके लिए हम सभी को जोरदार तालियां बजानी चाहिए। और ये आशा करता हूँ कि इसी तरीके से ये धमाल की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है ये 20, 21, 50 और 100 तक पहुँचे। थैंक यू। मुझे मेरी मम्मी के नाम से जानेंगे, आदेश शर्मा जी की। उन्होंने हिंदी डिपार्टमेंट में काम किया है स्कूल में काफ़ी साल तक, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं जिनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी उनको वो हिंदी सिखाती थी। थी कल्पना के साथ, लेकिन 1943 में हमारी फैमिली वनस्थली आ गई थी और कपूर की बुआओं के संग मेरे के चाचा पापा के संग मेरे चाचा और मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई करी और अब तक हम वनस्थली गई है। कम से कम हम लोग जितने लोग हैं आज भी हमारा कुछ ना कुछ वनस्थली में है और हम लोग वहीं गए हैं। हमारा बैच चुंगाई कुंजिशिखा त्यागी और निरुपमा चौधरी, प्लीज कम दिस साइड। And we pass out 2,000. We have done MBA from Vanasthali. एक तो जिन
और लोन में। जानते नहीं थे ना। चलो मैं भी प्रिया। ठीक है। चलो बस। थैंक यू। अरे हट जाओ।